अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। किसने माना मुगल व्लॉग एंजॉय नहीं किया तो कर लो दस्ती से, और बेल आइकन भी दबाओ और सब्सक्राइब भी कर लो जी। ये देखे मुर्गी भी कह रही है, हो कर लो जल्दी से, कुर जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि माना मुगल व्लॉग बहुत दिन के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हो चुका है जी। तो ये देखें, मैं आज आपको दिखाता हूँ अपने चूहे फिर से एक दफ़ा। ये सारे बाकी मैंने बेच दिए हैं उस दिन सारे जो आके, और ये वाइट वाली मुर्गी ने आज अंडा दिया है, मैंने अभी भी निकाला है जी। देखे जी कबूतर के जितना अंडा मुर्गी ने दिया, तो इसके अंदर से बच्चा तो निकलेगा नहीं, तो हम इसको खा लेंगे जी। देखें कितना छोटा सा अंडा, कबूतर के बच्चे जी कितना अंडा जी। मैं तो देख के हैरान परेशान हो गया था, स्कूल मैंने आज छुट्टी किया, वैसे मैं छोड़ने की इरादे बना रहा हूँ, छोड़ दूँगा थोड़ी देर तक, तो छुट्टी किया वैसे तो आज मैंने। ये चूहे ये भी थोड़े दिन तक अब बेच देंगे, छोटे छोटे जो बड़े हो गए हैं, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। 2200 रुपये पेट्रोल और महंगा हो गया, मज़ीद महंगा हो गया 2200 रुपये पेट्रोल। और वो देखे छोटा सा बच्चा, उसने बंक मार लिया शायद, मुझे तो लग रहा है वो बाहर वाड़ागर्दी कर रहा है। तो महंगाई अंत पे रूज पे जा रही है जी। घर से जरा इतिहास से बाहर निकले अपने, सौदो सामान सार में रख के फ़ोन शोन आ रहे हैं, पर पुखे सीधे हो कहते हैं आपका दोस्त में बात कर रहा हूँ बाहर से। हमारे स्कूल में सर के साथ ऐसा हुआ जी, एक कॉलेज का सर था, तो उसको फ़ोन आया कहता मैं तो आपका दोस्त बात कर रहा हूँ बाहर से, तो मुझे अपने शिनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी बेचो, मैं बैंक के बाहर कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें पैगाम दे रहा। तो उसने नहीं, सर समझदार है, उसने नहीं किए जी। तो वैसे बहुत लोगों का ऐसा कर रहे हैं, हमारे महल्ले में ऐसा एक फाटक पास एक दिखाते फ्रूट वाले की, तो उसको उन्होंने बोला तुम्हारा बच्चा उन्हें अगवा कर लिया फ़ोन पे बात, तो 50,000 रुपये भेजो जी। उसने जाके घर में, बच्चा घर में था, उन्हें पता नहीं वॉइस किसी से ली थी उसकी, वॉइस ले के तो उसने रिकॉर्ड कर ली, तो बस ऐसे ही उसके 50,000 चले गए। बाइस में उसने घर जा कर देखा तो बच्चा घर ही था, तो अभी हम नीचे चलते हैं, तो नीचे जा कर अंडा बना खा लें, अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो गालियाँ तो पड़ी हैं थोड़ी बहुत वापस है, गालियाँ बस बिस्ती हुई है थोड़ी सी। एक कबूतर आप बहुत दिन के बाद देख रहे हैं, तो कबूतरों ने भी अंडे दिए हैं, और तोते भी बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, अब इन तोतों को बेच के बेच देना खा लो फिर से, और अब कॉकटेल लाएंगे हम इनको बेच देंगे, कॉकटेल और लोबर लाएंगे भी। और नीचे जाकर नाश्ता बनाते हैं इस अंडे का, नाश्ता भी निकाल लिया, अंडा बना के अंडा बने था, छोटा सा अंडा बना था जी। तो ये देखे वो दिन किसी खोडी की थी क्यारी की, तो उस क्यारी के अंदर आज मैंने धनिया भी डाल दिया हुआ परसों का, तो पुदीना माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह उग गया थोड़ा थोड़ा, ये पता नहीं क्या चीज़ है, एलोवेरा भी बिल्कुल जैस हो गई है, वो इबड़ी का पौधा, ये गुलाब का पौधा, ये धनिया भी हमारा उगने वाला है, थोड़े दिनों तक उग जाएगा जी। तो अब मैंने जाना जी 3-4 दिन इकट्ठे शादी पे, अब जुम्मे रात जुम्मा हफ्ता इतवार, आज से लेके इतवार तक शादियाँ, तो आज भी एक वलीमे तो जाना है, फिर तेल पे, फिर बरात पे, फिर वलीमा, तो अब चल उसकी भी तैयारी करेंगे। तो आज भी अब मैं जा टीकर उत्तर घर के काम करने पैदे ने, तो काम से पापा लेके आए हुए हैं जी, फिंगरें बनाई थी उन्हें, फिशिंग फिंगर है ये गुड्डी चढ़ाने के लिए, बहुत ही बेहतरीन फिंगर, बसंत हुई जब अगर बसंत हुई तो फिर हम इसके साथ गुड्डी उड़ाएंगे जी। तो अब इसको हमने करना है पैकिंग में पैक, इस तरह पैक होएंगे, इस तरह पैक करके तो फिर इसके बाद शापर के अंदर बिट को करते हैं, जैसे फिंगर पकड़े ऐसे पकड़ के ऐसे करके फिर ऐसे इस अंदर, जब ऐसे बंद हो जाता ना, ऐसे बंद करके ये काम बहुत आसान है। कर दे तो पापा का बैठ के तो उनकी हाथ पल्ला मार देता हूँ, तुझे देखे जैसे पैक होएंगी, ये पैक हो गई ऐसे पैक होएंगी, तो उसको पैक करना भी, तो फिर आगे हम कुछ लाग करेंगे, और शादी पे भी मैं जाना है, 4 शादियाँ इकट्ठी खानी है जी। आए आए हम तो फ्री की शादी खानी है कैसे। हाँ 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 अब मैं जा रहा हूँ जी नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के फिर कटिंग करवानी है, कटिंग वाले से टाइम तो ले लिया हमने, अब जाके हम पहले नमाज़ पढ़ लें, जहर की नमाज़ भी नहीं अभी तक पढ़ी, असर भी नहीं, असर नहीं पढ़ी अभी तक, तो मगरिब भी पढ़ लेंगे साथ में, फिर हम चलते हैं कटिंग वाले पास। लाइट बंद होने लगी, सुने बोला फिर लाइट जब आएगी फिर आ जाना, तो मस्जिद के पास में आ गया, नमाज़ पढ़ लें तो फिर चलते हैं कटिंग करवा। नमाज़ जी पढ़ ली है मैंने, तो अभी ये हाल धोया उन्होंने, तो अभी अंदर मस्जिद में ज़रा काम शाम हो रहा, मस्जिद अभी तैयार हो रही है, अंदर से ख़राब हो गई थी फिर से उन्होंने सही हो गई थी मस्जिद, वो सही हो गई है, तो चप्पल पहनते हैं हम, चप्पल पहन के चलते हैं अभी बाहर,
तो मगरी पढ़ के तो फिर हम जाएंगे अब आगे, तो मगरी पढ़ लें। मास मैंने पढ़ लिया तो मैं जा रहा हूँ कटिंग करवाने, कटिंग करवाते हैं चलते हैं घर के, देखे मगरब हो गई है तो अंधेरा हो गया जरा, कोई भी नहीं है ग्राउंड में, तब हम चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं और कटिंग करवाते हैं तो फिर चलते हैं घर। अस्सलाम वालेकुम, कटिंग कर दें तो कटिंग करवाने आ गए जी हम काका भाई के पास। हाँ जी आप कटिंग कर दें, हमारी कटिंग हमने करवा लिया तो सही हो गई, तो चलते हैं घर। कटिंग करवा ली कभी मैं, लेकिन कितनी हाई क्लास लग रही है, तो उसने मशीन ने करते बनाने दी कहता नहीं, शर्म मत कह दी बच्चे उसका आगे वो था जी। तो आज का ब्लॉग नहीं तुम करते हैं, मेरी ब्लॉग पसंद आया, कब पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो हाफिज़।